तो भाई हमने तो बर्गर खा लिया, गुप्ता जी और नीटू भाई ने नहीं खाया क्योंकि दोनों की आज थोड़ी मन नहीं कर रहा था इनका खाने का। गुप्ता जी तो आज थोड़े ढीले हो रहे हैं बेचारे। गुप्ता जी थोड़ा टाइट रहा करो, थोड़ा मन से वो है ना, मन के जीते जीत है, दिल के हारे हार। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में सब कुछ कुशल मंगल होगा। तो गाइस मैं जा रहा हूँ मेरठ किसी काम से, बाइक से जा रहा हूँ क्योंकि बाइक से जल्दी जल्दी जाते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है आजकल, सो इसलिए मैं सोच रहा हूँ बाइक से चला जाता हूँ, क्यों कार से या फिर बस वस से जा रहे काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो हेलमेट पहन के रेडी होते हैं, अब मिलते हैं फिर आपसे बाइक पे बैठ के सीधे। तो भाई जो बात ये है, जो आप ये मोड़ देख रहे हैं ना, है बड़ा खतरनाक, एस टाइप का पूरा यहाँ पर बना हुआ है। और ये है भलवा की चौकी जहाँ पर होती थी कभी चोरियाँ बहुत ज़्यादा। चोरी से मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है भाई और बहनों आपसे कि यहाँ पर लोग चोर रोकते थे यहाँ पे, और उनको रात को जो भी आता था ना इधर से उसको रोक के उसको लूट लिया करते थे। इट मीन्स कह सकते लुटेरों का यहाँ पर मोड़ हुआ करता था कभी। उससे 15-16 साल पहले यहाँ पे बड़ा खौफ हुआ करता था, रात को आने से पहले सबको डर लगा करता था। और यार देखो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक ना वो आएगा यहाँ पे बहुत बड़ा, क्या कहते हैं वो, इसमें गुड़ बनता है कोल्लू, है ना, कोल्लू आएगा। ये देखो सामने जो आपको दिख रहा है ना राइट एंड पे, ये कोल्लू है पूरा का पूरा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं ना आप, गुड़ बनता है यहाँ पे। और यार जो आपने वो देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, आपने देखा होगा, मैंने आई थिंक आपको बताया या नहीं बताया, वो ना हनुमान जी की कल जयंती है और बालाजी जयंती। लेकिन यार मेरे को ये समझ नहीं आया इन्होंने आज एक दिन पहले क्यों निकाल ली, क्योंकि बालाजी जयंती तो कल है और यहाँ पे जो पूरी जयंती निकल रही थी वो, सॉरी, रथ यात्रा या यात्रा जो थी ना वो आज ही निकल रहे हैं एक दिन पहले ही। इसका मेरे को रीज़न समझ नहीं आया कि उन्होंने एक दिन पहले क्यों पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया। मे भी कुछ प्रशासन को सिक्योरिटी का इशू रहा होगा, मे भी उस वजह से या फिर और कुछ बात होगी, बट यार उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया नीचे उतरने में। फ्लाईओवर में ही आप मान लीजिए चौराहे से जानसर अड्डा जो पड़ता है वहाँ तक आने में मेरे को अप्रोक्सली 25 मिनट्स लगे बाइक से, कार से होता तो 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता कसम से भाई। अब सीधा घर पर जाके मिलते हैं आप लोगों से फिर। भाइयों यहाँ बात चल रही है, मैं पुशराज भैया घर पे आया था, पुशराज भैया के यहाँ घर पे बात चल रही है कि वहाँ पे भी मुजफ्फरनगर चलने का, वहाँ पे कल बालाजी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में वहाँ पे एक मेला लगा हुआ है, तो गौरव भाई वहाँ पे बता रहे हैं कुछ और पुशराज भैया हमारे। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ मेले में जरूर जाना चाहिए, मेला तो संस्कृति है। मुजफ्फरनगर में 6, 7 और 8 तारीख में बहुत ही अच्छा फेयर लगा है, 20 स्तरीय मेला लगा है जिसमें कि एनिमल फेयर भी है, सुल्तान भैंसा बुल अन्य प्रकार के कुश्ती, मैं कह रहा हूँ और मेले तो आपको देखने को मिलेगा, कृपया जरूर आए मुजफ्फरनगर की शान, हमारी पहचान, मेला बने महान, मेला बने नहीं शानदार भाई, मेला बहुत शानदार देश की वजह जाना चाहिए, अपन जरूर चलेंगे भाई, बिल्कुल साथ साथ वीडियो बनाएंगे, लोगों को दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे, बिल्कुल धूल तो सुखी हो, गिल्ली भी हो, गिल्ली तो कभी मिट्टी उड़ती नहीं तो धूल तो भाई सुखी ही हो भाई, धूल एक धूल हो। गौरव भाई, गौरव भाई कभी ऐसा हुआ कि धूल गिल्ली हो, धूल तो सुखी हो? हाँ धूल, अरे सुखी मतलब जो धूल गर्म होती है, धूल ठंडी होती है, धूल गिल्ली नहीं होती। हाँ माय फ्रेंड समझ नहीं पा रहे यार, हमें हम तो समझ पा रहे, तू नहीं समझ पा रहा भाई, भावना को तुम कैसे समझे, हमारे पास खुद नहीं है भावना, है एक तो है कि बस केवल मिट्टी से। भाई देखो यहाँ लॉजिक की बात हो रही है, लेकिन भाई हमारे आज नवरात्रि के बाद बर्गर खिलाने, नवरात्रि कब खत्म होंगे? तो भाई नवरात्रि के बाद पहली बार पिज्जा खाया था ना मैंने। अजी नवरात्रि के शाम को सोच लिया हमने, हाँ नवरात्रि के बहुत पिज्जा, पिज्जा की तो बता रहा हूँ मैं, और मैं कहा था भाई, अजी मैं कहा था पिज्जा पार्टी में, आप रहे आप घूम रहे थे रात रात ही, तो कदम हुआ नवरात्रि पार्टी तो परसों करी हमने, नवरात्रि से पहले की थी मुझे याद आया, वीडियो पुरानी थी, कुत्ता के बाल अभी के कटे हुए वीडियो पुरानी। तो भाई हमने तो बर्गर खा लिया, गुप्ता जी और
नीटू भाई ने नहीं खाया क्योंकि दोनों की आज थोड़ी मन नहीं कर रहा था इनका खाने का। गुप्ता जी तो आज थोड़े ढीले हो रहे हैं बेचारे। गुप्ता जी थोड़ा टाइट रहा करो, थोड़ा मन से वो है ना, मन के जीते जीत है, दिल के हारे हार। बर्गर खाने के बाद में बाइक पे जी जी भाई जी बंधु। बर्गर खाने के बाद गुरुजी ने जितना खर्चा किया, मैं उसके लिए दो लाइनें कहना चाहूँगा कि कमाया खुशी से उसी शान से गवाया, हमने कभी नोट पर रबड़ नहीं बांधी। वाह वाह वाह, क्या बात कह रही मेरे भाई ने। समर्पित हमारा गुप्ता जी को। गुप्ता जी ने आज अपनी दिल की व्यथा वो इंग्लिश टू इंग्लिश बताइए मेरे को कि उनको हो क्या रहा है। लेकिन शूट दूसरे को करना था भाई, हम आए वहां से यहाँ तक बाइक पे धक्का मार के दोनों भाई। सुनाओ गुप्ता जी, सुनाओ क्या कहना चाह रहे हो। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगे लेकिन आज तो आने मन कर रहा है। इस जमीन पर अपना कोई खास है तो है नहीं, लेकिन तू अगर इजाज़त दे तो मैं आसमान से गवाह बुला लूँगा। आसमान से गवाह बुला लूँगा, मतलब क्या था? क्या था वे? नहीं कसम से समझ नहीं आई वो भाई, मुझे लगा इसके पास शुरू हो गई। इतनी दर्द भरी दर्द तो था, लेकिन जो है वो समझने वाले को अभी तो लिखिए। इसमें पीछे म्यूजिक जो लगाना पड़े ना, म्यूजिक देता तुम्हारे साथ, इसलिए हमें समझ में नहीं आया। हम इंस्टाग्राम वाले हैं। जमीन पे कोई खास नहीं मेरा, तू एक बार कबूल कर, मैं अपने गवाहों को आसमान से बुलाऊंगा। आपने सही से नहीं रखा, क्या कोई बुखार हो रहा है? यार तेरे तो शायरी को भी बुखार कर दिया तुम, फिर ये बुखार में ना गवाना बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ और साथ में ब्लड टेस्ट वाले को बुलाओ। भाई की आंख ना दर्द में गमगीन नहीं है, ये बुखार है। तो गाइस कर रहा हूँ मैं वीडियो को एडिट, तो यार मैं इस वीडियो को एंड करना भूल गया था, तो उस वजह से मैं अब एंड कर रहा हूँ। बट यार इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा, कल है बालाजी जयंती, श्री हनुमान जी का जयंती। सो आप सभी लोगों को हनुमान जयंती और बालाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि कल आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे। और 6 अप्रैल को है बालाजी जयंती, सो आप सभी लोगों को बालाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप आप सभी लोगों को मेरा शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को मेरी वीडियोज़ के फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, गुड बाय।